हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मण सैनी, लक्ष्मण हेल्थ से। आज हम बात करेंगे प्रेग्नेंट महिला का डाइट प्लान के बारे में कि प्रेग्नेंट महिला का डाइट प्लान क्यों होना चाहिए और कैसा पैटर्न होना चाहिए डाइट प्लान में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जब महिला प्रेग्नेंट होती है या महिला का टाइम पीरियड मिस होता है तो सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। अगर यह टेस्ट पॉजिटिव आता है दोस्तों, यह टेस्ट पॉजिटिव आता है तो महिला के लिए यह सबसे सुखद में ही पल होता है, जिससे महिला बहुत खुश होती है। साथ में ही कुछ स्ट्रेस, कुछ मन में सवाल पैदा होते हैं कि अब हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो हमें किस प्रकार अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना है, किस प्रकार खाना है, कैसी डाइट लेनी है और कौन से डॉक्टर को दिखाए, ऐसे कई सवाल मन में पैदा होते हैं दोस्तों। तो इन सभी सवालों का निदान के लिए आज हम इस वीडियो में आपसे आगे बात करेंगे। तो इससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रेग्नेंट महिला के डाइट प्लान की कि प्रेग्नेंट महिला का डाइट प्लान क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, इसका क्या पैटर्न होना चाहिए। तो दोस्तों, प्रेग्नेंट महिला का डाइट प्लान एक हेल्दी डाइट प्लान होना चाहिए जिसमें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, विटामिन, ये सारों की मात्रा एक प्रॉपर गेम में होनी चाहिए दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम से कम प्रेग्नेंट महिला के बॉडी में 60% होनी चाहिए दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट में दोस्तों हम दलिया ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, ऐसे आइटम हम कार्बोहाइड्रेट में ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन की मात्रा भी शरीर में पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो प्रोटीन में हम दाल ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं फैट की कि फैट कितना होना ज़रूरी है। फैट के लिए हम प्रेग्नेंट महिला को घी खा सकते हैं एक नॉर्मल मात्रा में, ज़्यादा नहीं खाना है दोस्तों, नॉर्मल ही खाना है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम मिनरल्स की। हम प्रेग्नेंट महिला के डाइट में मिनरल्स भी होना ज़रूरी है। इसके साथ में ही विटामिन सी, विटामिन ई, ऐसे तत्व होना बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों। इसके साथ में हम बात करते हैं आयरन की। तो आयरन भी बहुत ज़रूरी होता है प्रेग्नेंट महिला के लिए, यह एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आयरन का दोस्तों। काफ़ी महिलाओं को आयरन की कमी आ जाती है। तो दोस्तों, आयरन की कमी के लिए हमें हरी सब्जियां खानी है, फ्रूट्स लेने हैं, काला चना खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो दोस्तों, यह आयरन की कमी को पूरा करते हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करते हैं हम कैल्शियम की कि कैल्शियम की शरीर में कमी है तो हम कैल्शियम की मात्रा को पूरा किस प्रकार कर सकते हैं। तो प्रेग्नेंट महिला को सुबह शाम एक एक गिलास दूध लेना है, एलमंड्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ये हमारी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं फॉलिक एसिड की कि फॉलिक एसिड कितना व कैसे टैबलेट ले इसकी। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ में फॉलिक एसिड की टैबलेट लेनी होती है डॉक्टर की एडवाइस से। तो दोस्तों, यह है हमारा हेल्दी डाइट प्लान हो गया। अब हम बात करते हैं प्रेग्नेंट महिला के हेल्दी डाइट प्लान को हम किस प्रकार पैटर्न करें कि किस प्रकार हम इसको अपने जीवन शैली में लेकर आए। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रेग्नेंट महिला को खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना है और इसके बाद में महिला को खाना एकदम में ही नहीं खाना है, टुकड़ों टुकड़ों में खाना खाना है, थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों। और इसके साथ में ही महिला को खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं है, क्योंकि हल्का सा वॉक करना है जिससे कि आपका पाचन क्रिया या खाना अच्छे से पच जाए। तो दोस्तों, इसके साथ में ही आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं सुबह शाम। कोकोनट वाटर प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इस प्रकार हम प्रेग्नेंट महिला का डाइट प्लान चार्ट कर सकते हैं दोस्तों। यह जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।